हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आदि क्लासेस। सो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। शायद हम क्लास में 2 मिनट लेट हो चुके हैं, सो वी विल जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स ताकि स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले। और हम आज शुरुआत करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको ये बताया भी जाएगा सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कौन कौन सी टर्म से हम आज आपको रिलेट कराने वाले हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा इस चैप्टर में वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स पढ़ा और दूसरी बात पढ़ी, उसके बाद हमारे पास आया था मोशन इन अ प्लेन, जब हम दो एक्सेस में चेंज होंगे तब कैसे मूव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आया प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके हमारे लगभग 4 लेक्चर हुए थे, 4 क्लासेस हमने उसकी ली थी प्रोजेक्टाइल मोशन की। और आपको ये बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आज हम शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो इस यूनिट का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। अब फिर उसके बाद हमारी शुरू होगी नेक्स्ट यूनिट, दैट इज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का एक और पार्ट। अभी तक हम कर रहे थे काइनेमेटिक्स, इसके बाद शुरू होगी हमारी डायनामिक्स, नेक्स्ट वुड बी डायनामिक्स। तो जल्दी से इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आप लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर लेंगे, वी विल स्टार्ट विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग तो ज्वाइन कर ली होगी, एक वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज हमने क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, नाम से आपको क्लियर होगा सर्कुलर मोशन है, सर्कल में मूव करना है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में एक बार, चलिए एक बार शुरुआत में आप एक बार बता दें यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम चलने वाले अगले टॉपिक्स की तरफ, शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो एक आधा टॉपिक समझने में आपको, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए फटाफट से, ये 2 दिन में टॉपिक होगा हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब बताइए कमेंट सेक्शन में। कांस्टेंट, एक बात आई कांस्टेंट, दी कांस्टेंट का मतलब हमारे पास क्या होगा, दी कांस्टेंट स्पीड से अगर हम सर्कुलर पाथ में चलेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस चीज को क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतनी बात समझ रहे हो, व्हेन वी आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, व्हेन वी आर मूविंग इन अ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, हाँ ये कह सकते हो, अभी सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सेम टाइम इंटरवल में, क्लियर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट, बहुत बढ़िया बात आ रही है कॉन्स्टेंट की। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, इफ यू आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, if you are moving in a circular path with a constant speed, your motion is said to be uniform circular motion. तो इसकी definition यही है, if the particles move along the circular path with constant speed, I'm just saying this constant speed. वेलोसिटी क्यों नहीं ली वो मैं आपको बताता हूं। इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके मोशन को क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नाम से क्लियर होगा, यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0। बट ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर स्पीड भी कॉन्स्टेंट रहती है और ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। चलिए अगर मैं बात करूं, मैं सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, कैसे मूव कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, कैसे निकाल लूंगा, अलॉन्ग द टेंजेंट, किसके अलॉन्ग होगी, अलॉन्ग द टेंजेंट, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है अलॉन्ग द टेंजेंट, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है अलॉन्ग द टेंजेंट, दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट। तो ये चीज हमने पढ़ी थी दैट इन अ कर्व्ड पाथ, अगर किसी भी कर्व्ड पाथ में हमें मूव करना है और किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, वहां पे टेंजेंट, क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट। देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट जरूर है, वेलोसिटी कांस्टेंट जरूर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, डायरेक्शन इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ध्यान से सुनिए, The direction of velocity changes at each and every point in a circular motion. हर एक पॉइंट पे सर्कुलर मोशन के वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है।
और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी दो टाइप से चेंज हो सकती है, या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट थी, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी, वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ सर्कुलर मोशन, हेंस वेलोसिटी चेंजेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट, वेलोसिटी चेंजेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी। दस देयरफॉर, या कह सकते हो देयरफॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब भी हमारे पास एक्सेलेरेशन हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सेलेरेशन हो रहा है। अब वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही थी क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही थी। हेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलेरेटेड मोशन। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या ऐसा कोई मोशन है जिसके अंदर हम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं लेकिन फिर भी वो एक्सेलेरेटेड मोशन है? इज देयर एनी मोशन जिसके अंदर हम कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे और वो एक्सेलेरेटेड मोशन होगा? तो आपका आंसर क्या होगा, यस, देयर इज अ मोशन नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड इज कॉन्स्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट्स व्हाई दैट मोशन इज कॉल्ड एक्सेलेरेटेड मोशन। वो मोशन कैसा होगा, हमारे पास एक्सेलेरेटेड मोशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से उठता है इसका, क्लियर, ये एक एक्सेलेरेटेड मोशन होता है। और ये सर्कुलर मोशन भी, फिर मैं बात कर रहा हूं आज हमने कौन सा पढ़ना है, सर्कुलर मोशन, ये भी दो टाइप के सर्कल हो सकते हैं हमारे पास। अब आप कभी भी फन फेयर वगैरह में कहीं जाते हो तो हमारे पास सर्कुलर मोशन आपने देखा होगा, जो हमारा झूले होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है इस टाइप से और एक वर्टिकल होता है, एक वर्टिकल। तो सर्कुलर मोशन भी दो टाइप के होंगे हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और दूसरा होगा हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये आएगा हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज एन वर्क पावर एनर्जी, एक चैप्टर छोड़ के ये डायनेमिक्स का पार्ट है। आज हमने कौन सा पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, इस टाइप से घूमेगा जो, क्लियर है ये चीज, ये हॉरिजॉन्टल और ये इस टाइप से सर्कल जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, वर्टिकल। दोनों के लिए डिफरेंट फिनोमेनाज है, दोनों के लिए डिफरेंट थ्योरी है, ये दोनों हम करने वाले हैं। तो आज हमने कौन सा करना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी दो टाइप के, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहां से कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं जो आगे यूज होंगी, इसलिए हम आपको आज करा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड से चलेगा और इसकी वेलोसिटी हर एक डायरेक्शन पे चेंज होगी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सेलेरेटेड मोशन। क्या इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो, इज देयर एनी एग्जांपल ऑफ अ सर्कुलर मोशन? क्या आपने किसी चीज को सर्कल में मूव होते हुए देखा है, क्या आपने किसी चीज को सर्कुलर मोशन करते हुए देखा है? इज देयर एनी एग्जांपल ऑफ अ सर्कुलर मोशन? ये आपको पता होगा इसका रेडियस हमारे पास कितना होता है, आर, मतलब ये रेडियस आर ले लिया, रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर बाउंड्री, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर बाउंड्री, इधर भी फिक्स रहेगा, इधर भी फिक्स रहने वाला है आर, और इस साइड जाओगे तब भी कितना रहेगा, आर रहेगा, क्लियर है? चलिए कमेंट सेक्शन में इज देयर एनी एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। एक सिंपल से एग्जांपल आपने अपने घरों में देखा होगा, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, दैट इज कह सकते हो सर्कुलर मोशन। एलिप्टिकल पाथ होता है सबसे पहले तो, प्योरली सर्कुलर नहीं होता, दैट इज एन एलिप्टिकल पाथ, एलिप्स की शेप में, ओवल शेप में, एग शेप में होता है। सर्कुलर पाथ सबसे बड़ा आप देखते हो किसका, आपके घर में क्लॉक है, मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आर हैंड, तो मतलब जो मिनट हैंड है वो सर्कुलर मोशन में रोटेट होती है विद अ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड याद रखनी है, कांस्टेंट स्पीड से रोटेट होती है। अब जो एक आर कंप्लीट हो रहा था, अगला एक आर भी क्या होगा, उसे इतने ही वन टाइम में कंप्लीट होगा। सो द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज रोटेशन ऑफ या मोशन ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, वो एक सर्कुलर मोशन में रोटेट होती है, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, क्लियर, बहुत बढ़िया एग्जांपल। या एक बात कर सकते हो, जो कार के टायर्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन में होंगे, अगर आप उसको कांस्टेंट स्पीड से चलाओगे
अगर आप उसको कांस्टेंट स्पीड से चलाओगे तो वो क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा वो भी, ठीक है। तो अब ये एक और एग्जांपल ले सकते हो, मोशन ऑफ अ टायर्स ऑफ अ कार विद अ कांस्टेंट स्पीड, विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो चलिए सर्कुलर मोशन के बारे में आपको बताया, अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहे तब भी वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये एग्जांपल बताया एक, ठीक, बहुत बढ़िया एग्जांपल। हाँ, आज हमने पढ़ना है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। चलिए शुरुआत करते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की। किसकी बात करेंगे? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की, जिसके अंदर हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए जरा, अगर हम सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ एक टर्म्स आती हैं। आज सबसे पहले आएंगे हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज आएगी हमारे पास? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आज कुछ एक टर्म्स हैं जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब हमने डिफाइन करना है। कल हम चलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स क्या होती है, ये सब टर्म्स हम रिलेट कराने वाले हैं आपको। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो दिन लेगा ये कवर करने के लिए, ठीक है। तो देखिए जरा क्या होगा, मैं अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर मैं सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा था, अगर मैं सर्कुलर मोशन में चल रहा था जिसका रेडियस क्या था हमारे पास r, आई एम मूविंग इन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो मेंशन कर लो, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस कितना है हमारे पास r। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, नाउ इट कवर्स, it reaches point, पहले P पे था initially, at t is equal to 0, it is at P. जब हमने motion शुरू करते हैं आपको बताते हैं वो time कितना होता है 0. After some time, that is after time t, it reaches point P dash. कितना time लगा इसको? T. यहां से यहां तक जाने में कितना time लगा इसको? T. और इसकी velocity कितनी थी? Constant V speed से जा रहा था. इसकी speed क्या थी हमारे पास? V. कितना angle cover कर गया? Delta theta. कितना एंगल कवर कर गया? डेल्टा थीटा। क्लियर? ध्यान से सुनिए इस बात को, सर्कुलर मोशन में मूव हो रहे थे, उस सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना है हमारे पास r। इन टाइम t व्हेन इट इज मूविंग विद अ स्पीड v, इट कवर्स एन एंगल डेल्टा थीटा। और ये आर्क कितनी कवर हुई? आर्क देखिए, ये लेंथ कितनी कवर हुई, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा s। इसको हम क्या बोल देते हैं? डेल्टा s। इज दिस क्लियर? ये हमारे पास क्या हो गया? डेल्टा s। ध्यान से सुनिए, नाउ अ पार्टिकल कवर्स, मैं सारा कुछ यहां पे लिख रहा हूं, अ पार्टिकल कवर्स एंगल डेल्टा थीटा इन टाइम टी। कितने टाइम में कवर करेगा? इन टाइम टी टाइम में, ठीक है। एंड देयर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एस, एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एस। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास? डेल्टा एस। डिस्टेंस कितना मूव हुआ? डेल्टा एस। एंगल कितना कवर करा? डेल्टा थीटा। और रेडियस कितना है इसका? आर। रेडियस कितना है इसका? आर। इज दिस क्लियर? पहले पार्टिकल कहां पे था? पी पे। उसने अपना मोशन शुरू करा, पी डैश पे पहुंच गया। कितने टाइम में? टी टाइम में। एंगल कितना कवर करा? डेल्टा थीटा। और एंगल कितना कवर करा? डेल्टा थीटा। रेडियस इसका आर था। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डेल्टा एस। तो आपने ये एंगल कैसे निकालना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लोगे? ध्यान से सुनिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपको याद रखना, ध्यान रखिएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। नाउ एंगल कितना कवर हुआ? डेल्टा थीटा। एंगल कितना कवर हुआ? डेल्टा थीटा। आर्क इज दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी कवर हुई? डेल्टा एस। और रेडियस कितना था इसका? आर। इसका रेडियस कितना था हमारे पास? आर। क्लियर? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। और ये यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट ऑफ डेल्टा थीटा। इस एंगल की यूनिट क्या होगी? रेडियंस। इस एंगल की यूनिट क्या होगी हमारे पास? रेडियंस। रेडियंस में एंगल को मेजर किया जाता है। अब ये रेडियंस क्या होता है, जो बायो स्टूडेंट्स हैं उनको शायद ना पता हो। देखिए जैसे हम 30 डिग्री है उसको रेडियंस में कन्वर्ट करें तो हम कैसे लिखते हैं? 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल रिटन एज पाई बाय 6 रेडियंस। ये पाई बाय 6 रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। अगर 45 डिग्री है, मैं इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहूं
तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस विल कैंसिल एंड गिव यू पाई बाय 4 रेडियंस। क्लियर है ये बात? तो पाई बाय 6 रेडियंस, पाई बाय 4 रेडियंस इज 45 डिग्री, 60 डिग्री को ऐसी कन्वर्ट करूं पाई बाय 3 रेडियंस आ जाएगा। तो ये एंगल जो होगा वो रेडियंस में होगा, ध्यान रखना दिस डेल्टा थीटा इज इन रेडियंस। ये किस में होगा हमारे पास? रेडियंस में। जब भी कभी भी आपने फॉर्मूला लगाना है तो एंगल्स किस में होगा हमारे पास? रेडियंस में। इज दिस क्लियर? चलिए मैं बात करता हूं डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ डेल्टा थीटा, डायमेंशंस ऑफ डेल्टा थीटा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। डेल्टा इज द डिस्टेंस, इसकी यूनिट मीटर होंगे, रेडियस इसकी यूनिट भी मीटर होते हैं, लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा थीटा क्या बन जाएगा? डायमेंशनलेस। ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जिसकी यूनिट होती है, जिसकी एक यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है हमारे पास? रेडियंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा? डायमेंशनलेस, दैट इज m0 l0 t0, और यू कैन सिंपली राइट डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। इसके कोई डायमेंशन नहीं होते, एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते, यू नीड टू रिमेंबर दिस, एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते। उसका फॉर्मूला क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ उसको रेडियस से डिवाइड करोगे आपका एंगल आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ उसको आर से डिवाइड करोगे, यू विल गेट डेल्टा थीटा, यू विल गेट डेल्टा थीटा। इज दिस क्लियर? दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास क्या थी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए नोट कीजिए इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? आज कुछ एक टर्म्स हमारे पास आने वाली हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाली हैं। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। सर्कुलर पाथ में मूव हो रहे थे, एंगल कवर हुआ डेल्टा थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डेल्टा एस, रेडियस कितना था? आर। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को रेडियस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एंगल बन जाएगा, डेल्टा थीटा आ जाएगा। फिर अगली चीज पे चलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्म इज एंगुलर वेलोसिटी एंड द सिंबल फॉर दिस इज ओमेगा, दिस इज नॉट डब्ल्यू, दिस इज ओमेगा। याद रखना इसका सिंबल क्या होगा हमारे पास? ओमेगा। बहुत सिंपल सी बात। अब हमने क्या बात करी? एक सर्कुलर मोशन में मूव हो रहे हैं जिसका रेडियस कितना था हमारे पास? आर। जिसका रेडियस कितना था हमारे पास? आर। इज दिस क्लियर? जिसका रेडियस कितना था हमारे पास? आर। अब इसके बाद क्या हुआ? हमने डेल्टा थीटा एंगल कवर करा, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। मतलब पार्टिकल पहले पी पे था, फिर कहां पहुंच गया? पी डैश पे। पार्टिकल पहले पी पे था, फिर कहां पहुंच गया? पी डैश पे। कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। एंगल कितना कवर हुआ? डेल्टा थीटा। क्लियर? तो एक सिंपल सी बात यहां से आती है, अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है जिसका सिंबल क्या है? ओमेगा। जिसका सिंबल क्या है हमारे पास? ओमेगा। उसको मैं क्या बोलूंगा? क्या वेलोसिटी होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए जरा मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं इसकी, ये चीज मैं रब कर रहा हूं, जो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमने कैसे कैलकुलेट करा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बहुत एक सिंपल सी बात थी। अभी तक हमने क्या पढ़ा? वेलोसिटी की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड, displacement upon time is called velocity, that is linear velocity, जब हम सीधा चलते हैं। अब हम एंगल में घूम रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो एंगल अपॉन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए जरा, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज, अच्छा रेट ऑफ चेंज का मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of a particle, the rate of change of an angular displacement of a particle is called angular velocity, is called angular velocity. उसको क्या बोला जाता है? Angular velocity. Is this clear? उसका एंगल कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? Angular velocity. उसको क्या बोला जाएगा? Angular velocity. देखिए एंगल कितना चेंज हुआ? डेल्टा थीटा। एंगल कितना चेंज हुआ? डेल्टा थीटा। कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। तो दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। इसको क्या बोला जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए इसकी एंगल की यूनिट क्या होती है? एंगल की यूनिट क्या होती है हमारे पास? रेडियंस। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो यूनिट्स ऑफ ओमेगा विल बिकम रेडियन पर सेकेंड, यूनिट ऑफ ओमेगा विल बिकम रेडियन पर सेकेंड। इज दिस क्लियर?
यूनिट ऑफ ओमेगा विल बिकम रेडियन पर सेकेंड. डायमेंशंस इसके, डायमेंशंस क्या बनेंगे, डायमेंशंस क्या बनेंगे, इसके कोई डायमेंशन नहीं होते डेल्टा थीटा के, टाइम के डायमेंशन टी होंगे. तो क्या बनेगा, एम जीरो, ये टी नीचे पड़ा था, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, और सिंपली यू कैन राइट टी माइनस वन, और सिंपली यू कैन राइट टी माइनस वन. इज दिस क्लियर और नॉट? चलिए एक चीज और बताइएगा, अगर मैं यहां पे लिमिट लगा दूं भी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा चेंज हो रहा है, दिस चेंज इन टाइम इज वेरी स्मॉल, जो ये टाइम चेंज हुआ ये बहुत छोटा है, तो क्या चीज चेंज होगी? देखिए बहुत बार पढ़ चुके हो आप इसको. अब इफ चेंज इन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, इफ चेंज इन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, इफ चेंज इन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार बताएं, अगर टाइम इंटरवल का चेंज बहुत छोटा है तो ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी किस में चेंज होगा? कमेंट सेक्शन प्लीज, कमेंट सेक्शन जल्दी से एक बार बता सकते हैं आप, जल्दी से एक बार बता दीजिए, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो तो ये किस में चेंज होगा? डेरिवेटिव में. एक आंसर है हमारे पास, डेरिवेटिव में चेंज होना चाहिए. ये किस में चेंज होगा? डेरिवेटिव में, क्योंकि हमने सीखा था डेरिवेटिव कब यूज करते हैं, व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल. सभी का आंसर, सभी आंसर कीजिए भी यहां पे, अगर टाइम का चेंज बहुत छोटा हुआ तो क्या करना पड़ेगा, टाइम का चेंज छोटा हुआ तो क्या करना पड़ेगा? तीन ही जनों को बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं सभी के. वी नीड टू चेंज दिस इनटू डेरिवेटिव. तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी. ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी. दिस डेल्टा रिप्रेजेंट फाइनाइट चेंज एंड दिस डी रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज एंड दिस डी रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज. दिस इज फ्रॉम द एंगुलर वेलोसिटी. ये हमारे पास क्या था, एंगुलर वेलोसिटी. क्लियर? चलिए अब मैं बात करता हूं, अभी तक मैं स्मॉल टी यूज कर रहा हूं, दिस इज द टाइम जितने टाइम के लिए मूव हुए. अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट डेफिनेशन की, टाइम पीरियड. अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट डेफिनेशन, टाइम पीरियड बहुत काम आने वाली है, एंड तक चलने वाली है, सबसे आखिरी चैप्टर ऑफ ट्वेल्थ, क्लास ट्वेल्थ की बात करेंगे. अभी टाइम पीरियड क्या होता है, अगर मैं सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा हूं, मैं यहां से शुरू हुआ, सर्कुलर मोशन में मूव हुआ, घूम के वापस आने में, उसी पॉइंट में आने में मेरे को जितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करूं, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन और वन ऑसिलेशन और वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड. और इसका जो सिंबल होगा वो हमेशा कैपिटल टी रहेगा, इसका जो सिंबल होगा कैपिटल टी रहेगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी? कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड दैट इज कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एंड स्मॉल टी इज द गिवन टाइम, कितने टाइम के लिए मूव हुए. क्लियर है? ये समझ रहे हो? अब देखना जरा, अब मैं बात करूं द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, या टू कंप्लीट द टाइम टेकन टू कंप्लीट, the time taken to complete one revolution is called time period. और इसकी यूनिट तो सभी को पता है, इसकी यूनिट तो सभी को पता है किसमें होगी, सेकेंड्स में. यूनिट तो सभी को पता है किसमें होगी, सेकेंड्स में. और इसके डायमेंशंस आप कह सकते हो, बहुत एक सिंपल सी बात होगी, क्या होगा, टी, क्योंकि टाइम है. ठीक, इसका सिंबल कितना होगा हमारे पास, क्या सिंबल होगा इसका, कैपिटल डी, डायमेंशन डी, और यूनिट क्या होंगे हमारे पास, यूनिट क्या होंगे इसके, सेकंड. चलिए आपको गिवन टाइम और टाइम पीरियड का फर्क पता होना चाहिए. गिवन टाइम क्या होता है हमारे पास, गिवन टाइम कितने टाइम के लिए हम रोटेट हुए हैं, और टाइम पीरियड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा. मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ भी, अगर मैं पूरा रोटेट हो जाता हूं यहां से यहां तक, या एक पार्टिकल यहां से यहां तक रोटेट हो जाता है, तो ये कितना एंगल कवर करेगा, तो ये कितना एंगल कवर करेगा. जैसे हमने ये फॉर्मूला निकाला ओमेगा का, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, अगर मैं इसके अंदर पूरा रोटेट होके आ जाऊं, व्हाट वुड बी द एंगल कवर, मेरा एंगल कितना कवर होगा. देखिए मैं हाफ रोटेट होके आता हूं, इधर से इधर आ जाता हूं अपोजिट साइड में 360 डिग्री, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग दिस 360 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियंस. मुझे डिग्री में आंसर नहीं चाहिए,
2 पाई, एक आंसर किसी का आया 2 पाई। देखिए सभी ने आंसर करा 360 डिग्री, सबको पता था 360 डिग्री आंसर है, लेकिन हमें ये जो एंगल है वो रेडियंस में चाहिए होता है। ये जो एंगल है वो किस में चाहिए होता है? रेडियंस में। रेडियंस में एक जने का आंसर आया था बी, आंसर क्या होगा इसका 2 पाई। कितना एंगल कवर होगा? 2 पाई का। अगर किसी को नहीं पता वो देखिए 360 डिग्री को 2 पाई कैसे लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 से, दिस विल चेंज इनटू 2 पाई, दिस विल चेंज इनटू 2 पाई। बहुत बढ़िया आंसर 2 पाई, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं ओमेगा की, ओमेगा का फॉर्मूला एक ये भी हो सकता है, एक तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा डी था, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा इसका, टोटल एंगल कवर होता है डेल्टा 2 पाई। कितना एंगल कवर होता है? 2 पाई। और इसको टोटल टाइम कितना लगता है? कैपिटल डी। टोटल टाइम कितना लगता है? कैपिटल डी। देखिए फर्क है, अगर टोटल टाइम आया तो टोटल एंगल आएगा, अगर स्मॉल टाइम आया या गिवन टाइम आया तो गिवन एंगल आएगा। क्लियर? तो ओमेगा के दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, 2 पाई बाय टी भी है और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा डी भी है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी भी है। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करो, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, इन दोनों को इक्वेट करा दिया हमने क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे, इक्वल करवा दिया, तो आप अगर एंगल निकालना चाहो तो कैसे निकाल लोगे? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। इट मींस द एंगल इज इक्वल टू टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम एन अ गिवन टाइम। तो यूनिटरी मेथड से भी ऐसे ही करते आप, तो फॉर्मूला याद रखिएगा एंगल कैसे निकालना है। अगर आपको टाइम और गिवन टाइम, सॉरी टाइम पीरियड गिवन हो और कितने टाइम के लिए आप चल रहे हो वो गिवन हो, तो आप एंगल निकाल सकते हो कितना कवर हुआ, तो आप एंगल निकाल सकते हो कितना कवर हुआ। इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल कर ही लेते हैं इसके बेसिस पे, उसके बाद आगे चलेंगे। टाइम पीरियड का मतलब आपको पता चला पूरा घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा, और गिवन टाइम का मतलब पता चला डेल्टा टी, गिवन टाइम का मतलब पता चला मीन स्मॉल टी होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। इफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज सिक्स सेकेंड, मतलब वो अपना पूरा ऑसिलेशन 6 सेकेंड में कवर कर रहा था, फाइंड द एंगल कवर्ड इन वन सेकेंड। बहुत एक सिंपल सी बात, हमने एंगल का फॉर्मूला निकाल लिया, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी। आंसर बताइए क्या होगा? दिस टाइम पीरियड विल रिमेन फिक्स्ड, 6 सेकेंड इसका टाइम पीरियड दे रखा था, 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर होगा ये निकालना है। 6 सेकेंड में पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा था, तो 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर होगा कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिएगा। बहुत सिंपल सी बात करनी है इसके अंदर हमने। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए एक बार। पाई बाय 3, द आंसर इज पाई बाय 3, वन आंसर इज पाई बाय 3 फ्रॉम अवध। बहुत सिंपल सी बात हुई, बहुत बढ़िया। पाई बाय 3, पाई डिवाइडेड बाय 3, बहुत सिंपल सी बात। द टाइम पीरियड इज 6 एंड द चेंज इन टाइम इज 1 सेकेंड, सो यू विल गेट 2π/6, दैट इज पाई बाय थ्री। तो एंगल कवर इज पाई बाय 3, तो आपका एंगल कितना कवर हुआ 1 सेकेंड में? पाई बाय 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं जिसके अंदर आपको एंगल फाइंड करना होगा, जिसके अंदर आपको क्या फाइंड करना होगा? एंगल। आंसर इज पाई बाय 3, बहुत बढ़िया आंसर सभी के, आंसर इज पाई बाय 3। चलिए अब बात करते हैं अगले टर्म की तरफ, फ्रीक्वेंसी। अगली टर्म की तरफ चलते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म अगली। देखिए हमने बहुत कुछ पढ़ लिया आज, सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होती है, उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड होती है, एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड होती है, टाइम पीरियड की बात करी, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। शायद आपने सुना भी होगा फ्रीक्वेंसी, अगर पाई बाय 3 इज द आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। 1 सेकेंड में देखिए हम ऑसिलेट होने की क्या स्पीड है हमारे को नहीं पता, रेवोल्यूशन कंप्लीट करने की क्या स्पीड है, 1 सेकेंड में कितनी बार रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, ओनली इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं एक सेकेंड में 50 बार ऑसिलेट हो रहा हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी 50 की होगी, ठीक है। 1 सेकेंड में 50 बार घूम जाता हूं तो फ्रीक्वेंसी कितनी की होगी? 50 की। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। उसको क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर है? और इसका सिंबल म्यू,
ध्यान रखना वी, दिस इज नॉट वी, दिस इज म्यू, न्यू म्यू और यू आप ये कह सकते हो उसके अंदर. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी बार ऑसिलेट होगा, जितनी बार रोटेट होगा, उसको क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी. और इस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वन अपॉन टाइम पीरियड. अभी बच्चे पूछेंगे कैसे होगा, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, टी सेकेंड्स. तो एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट होंगी, वन बाई टी, इस टी को नीचे डिवाइड कर दिया. एक सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट होंगी, वन बाई टी. तो एक सिंपल सी बात, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वन बाई टी, और इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ये टाइम की सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स. और सेकेंड इनवर्स का दूसरा नाम रख देते हैं हम हर्ट्ज, इसका दूसरा नाम रख देते हैं हम हर्ट्ज. क्लियर है ये बात, ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या रखा हमने, हर्ट्ज. इसका दूसरा नाम क्या होगा, हर्ट्ज. तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी यू कैन डायरेक्टली से द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, इसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज. क्लियर. अगर मैं इसके डायमेंशन निकालना चाहूं, अगर मैं इसके डायमेंशन निकालना चाहूं, टाइम के डायमेंशन क्या होते हैं, टी, तो ये क्या बनेगा, नीचे पड़ा था टी माइनस वन, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन. इज दिस क्लियर. तो फ्रीक्वेंसी आ गया. अब हमें रिलेशन निकालना है, अब हमें रिलेशन निकालना है. देखिए सब कुछ आपने कैलकुलेट कर लिया, एक सिंपल सी रिलेशन आएगा हमारे पास, देखिएगा जरा, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, म्यू एंड टी, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन ओमेगा म्यू एंड टी. क्लियर. अगर मैं बात करूं ओमेगा, दिस इज एंगुलर स्पीड, कितना एंगल कवर होता है, 2 पाई, कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में. एक सिंपल सी बात थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगल कवर्ड अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब एक सिंपल सी बात करता हूं मैं, 1 बाई टी देखिए किसके बराबर हुआ, म्यू के. तो म्यू के दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, एक 2 पाई बाई टी और दूसरा 2 पाई बाई टी, सॉरी ओमेगा के दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, 2 पाई बाई टी और 2 पाई म्यू, वेयर म्यू इज नोन एज, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज द टाइम पीरियड, ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड. इज दिस क्लियर. चलिए ये रिलेशंस याद रखिएगा, ये रिलेशंस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. फिर अगली चीज मैं आपको कराने वाला हूं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, बहुत एक सिंपल सा रिलेशन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है. ड्राइवर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशन पे, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. आज हमने पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एंगल अपॉन टाइम, अभी तक पढ़ते आए थे लीनियर वेलोसिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. उन्हीं का यूज करेंगे, उन्हीं का यूज करना है हमने, उसका यूज करके हम आपको कैलकुलेशन कराएंगे, क्या कैलकुलेशन होने वाली है वो देखिएगा. देखिए जरा, अगर मैं बात करूं सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा था, जिसका रेडियस कितना था आर, एंगल कितना कवर कर गया, डेल्टा थीटा, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, और ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डेल्टा एस, वन एंड द सेम थिंग जो हमने पहले करा था. देखिए ये चीज आप अपने आप लिख लेना, कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, लेट इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से लेके बी तक मूव हुआ, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, विच कवर्स एन एंगल ऑफ डेल्टा थीटा विद लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, विद लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस. ये सब थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हैं, एक सिंपल सी बात आपने अपनी लैंग्वेज में लिखनी है. एक बॉडी सर्कुलर, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, जिसका रेडियस कितना है आर, ये ए से लेके बी तक मूव होगा, इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन टाइम डेल्टा टी एंड कवर्स एन एंगल ऑफ डेल्टा थीटा एंड देयर इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेल्टा एस, एंड देयर इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेल्टा एस. इज दिस क्लियर. इन चीजों को ध्यान से समझिए, क्या क्या दे रखा है,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, क्या क्या करा। चलिए अब हमने रिलेशन निकालना है एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, किसका, एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, थीटा दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ठीक। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब मैं बात करूं डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा टी, किससे डिवाइड करते हैं, डेल्टा डी से। इधर क्या बनेगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा डी इज इक्वल टू वन बाय आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इज दिस क्लियर? नाउ टेकिंग द लिमिट, टेकिंग द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब दोनों के ऊपर लिमिट लगा दो, भी टाइम बहुत छोटा है, इसके ऊपर लिमिट लगा दी, टाइम बहुत छोटा था, ठीक है, वन बाय आर बाहर आ गया, इसके ऊपर लिमिट लगा दी, टाइम बहुत छोटा था। अगर छोटा चेंज होगा, जैसे कि सभी ने बताया हमारे को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा, डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू वन बाय आर, वन बाय आर डी एस अपॉन डी टी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, द सिंबल इज ओमेगा, द सिंबल इज ओमेगा। वन अपॉन आर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दिस लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, द सिंबल इज वी, द सिंबल इज वी। तो यार इधर मल्टीप्लाई करते हैं, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोला इन्होंने, जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है वो अगर एंगुलर वेलोसिटी को, अगर एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लीनियर वेलोसिटी। इज दिस क्लियर? क्या हुआ हमारे पास, लीनियर वेलोसिटी को अगर मैं ओमेगा, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, लीनियर वेलोसिटी, व्हाट आई विल गेट, लीनियर वेलोसिटी। इज दिस क्लियर? चलिए सुनते रहिएगा इसको ध्यान से। अब सुनिए, ये हमारे पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इसकी बात होगी, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, लेकिन कल के लेक्चर में, कल हम डिस्कस करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके बाद सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, उसकी डेरिवेशन, फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, इन सभी के बारे में आपको बताना चाहिए, भी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सब क्या होता है, ये हमने डिस्कस करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे होता है, किस तरफ होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन था हमने बताया, तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल जरूर मिलेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के पार्ट टू के साथ। थैंक यू।